उत्तर प्रदेश लोनी संबल जिलालो कल्की आलय निर्माणानिकी शंकुस्थापन चेसर प्रधानी नरेंद्र मोदी गर्भगुडी निर्मिंचे प्रदेशंलो शास्त्रोक्तंगा पुनादिरा चेसर कल्कीधाम निर्माण ट्रस्ट आलयानि निर्मिस्तोंदी ट्रस्ट चेयरमैन कांग्रेस बहिष्कृत नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम आह्वान मेरकु शंकुस्थापन महोत्सवंलो पाल्गोन्नारु प्रधानी मोदी आलय नमूनानु विडुदल चेसर ఇదే కార్యక్రమంలో ప్రధాని మోదీ మాట్లాడుతున్నారు లైవ్ లో చూద్దాం ఆకి ప్రతీక్ష కే బాద్ ఆజ్ ఈ అవసర్ ఆయా హై వైసే భీ ఆచార్య జీ కై ఐసే అచ్చే కామ్ హై జో కుచ్ లోగ్ మేరే లియే హీ ఛోడ్ కర్కే చలే గయే హై और आगे भी जितने अच्छे काम रह गए हैं ना उसके लिए बस ये संतों का जनता जनार्दन का आशीर्वाद बना रहे उसे भी पूरे करेंगे। साथियों आज छत्रपति शिवाजी महाराज की जन्म जयंती भी है। ये दिन इसलिए और पवित्र हो जाता है और ज्यादा प्रेरणादायक हो जाता है। आज हम देश में जो सांस्कृतिक पुनरोदय देख रहे हैं आज अपनी पहचान पर गर्व और उसकी स्थापना का जो आत्मविश्वास दिख रहा है वो प्रेरणा हमें छत्रपति शिवाजी महाराज से ही मिलती है। मैं इस अवसर पर छत्रपति शिवाजी महाराज के चरणों में श्रद्धापूर्वक नमन करता हूं, उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। साथियों पिछले दिनों जब प्रमोद कृष्णम जी मुझे निमंत्रण देने के लिए आए थे जो बातें उन्होंने बताई उसके आधार पर मैं कह रहा हूं कि आज जितना आनंद उनको हो रहा है उससे अनेक गुना आनंद उनकी पूज्य माता जी की आत्मा जहां भी होगी उनको होता होगा। और मां के वचन के पालन के लिए एक बेटा कैसे जीवन खपा सकता है ये प्रमोद जी ने दिखा दिया। प्रमोद कृष्णम जी बता रहे थे कि कई एकड़ में फैला ये विशाल धाम कई मायनों में विशिष्ट होने वाला है। एक ऐसा मंदिर होगा जैसा मुझे उन्होंने पूरा समझाया अभी, जिसमें 10 गर्भगृह होंगे और भगवान के सभी 10 अवतारों को विराजमान किया जाएगा। 10 अवतारों के माध्यम से हमारे शास्त्रों ने केवल मनुष्य ही नहीं बल्कि अलग अलग स्वरूपों में ईश्वरीय अवतार को प्रस्तुत किया गया है। यानी हमने हर जीवन में ईश्वर की ही चेतना के दर्शन किए हैं। हमने ईश्वर के स्वरूप को सिंह में भी देखा, वराह में भी देखा और कच्छप में भी देखा। इन सभी स्वरूपों की एक साथ स्थापना हमारी मान्यताओं की
व्यापक छवि प्रस्तुत करेगी। ये ईश्वर की कृपा है कि उन्होंने इस पवित्र यज्ञ में मुझे माध्यम बनाया है, इस शिलान्यास का अवसर दिया है। और अभी जब वो स्वागत प्रवचन कर रहे थे तब उन्होंने कहा कि हर किसी के पास कुछ न कुछ देने को होता है, मेरे पास कुछ नहीं है, मैं सिर्फ भावना व्यक्त कर सकता हूं।